इवनिंग का टाइम है और वेलकम है आप सभी का मेरे गार्डन में। तो यहाँ पे देखिए ये मोगरे का फूल, 20 दिन पहले मैंने लगाया था इसको और बहुत अच्छे से अभी खिलना स्टार्ट हो गया है। और इन फूलों की खुशबू से ना पूरा मेरा आंगन महक उठता है। सुबह सुबह देखना इनको, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने गार्डन एरिया में ना कुछ कुछ ऐसे फूल लगा रखे हैं जो कि बारी बारी से एक एक दिन खिलते हैं, तो ऐसे ही मैं कभी कभी आप लोग से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आंगन में ही मैंने अपना वॉशिंग मशीन भी रखा है और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैं चाय के साथ इधर अपना कपड़े का भी काम कर ले रही हूँ। तो सभी लेडीज़ का लगभग ऐसा ही काम होता होगा, कभी चाय कभी नाश्ता के साथ साथ ही काम करते हुए, तो मेरा तो ऐसा ही है। तो अभी कपड़े का काम हो गया है, तो अभी बजे है सुबह के 6:30। तो अभी निशा रश्मि को स्कूल जाना है, तो आज है फ्राइडे और फटाफट से अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कुंदरू की भुजिया और पराठे बनाऊँगी उनके टिफ़िन के लिए। और यहाँ पे ना 11 बजे पानी आता है, तो मैं साथ के साथ ना घर के काम A to Z ख़त्म करके और उसके बाद फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ नहा धो के। लंच हमारा ना हर बार ही दाल चावल सब्जी होता है, कोई चोखा हो जाता है, पकौड़े हो जाते हैं और दही अचार तो रहता ही रहता है, कभी पापड़ चिप्स हो जाते हैं। तो ऐसा ही आज मैंने खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी और ये करेले की भुजिया है बस नमक हल्दी के साथ। और यहाँ पे सैलेड है और मैंने बनाए हैं लौकी के पकौड़े जो कि हम सबको पसंद है मेरे फैमिली में दाल चावल के साथ। तो प्याज के पकौड़े भी ज़्यादातर हम लोग खाते हैं, तो आज मैंने लौकी के पकौड़े बनाए हैं। तो यही है आज का हमारा लंच थाली। और आप लोग देखेंगे ना कि छोटा से छोटा कोई सामान लेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए आधा केजी टमाटर, इसके लिए भी यहाँ पे पन्नी देते हैं। एक गुच्छा ये धनिया लेंगे इसके लिए भी देते हैं, मैंने तो इसके लिए खैर मना किया और मैं तो बैग ही लेके जाती हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि हर कोई ऐसे लेके सब्जी चलता है, ऐसे पन्नी में ही लेके चलता है। यहाँ तो हर बात के लिए पोलोथीन है, हर बात के लिए। अब पता नहीं और स्टेट में क्या है, नहीं है, पन्नी बंद है कि नहीं। जब मैं 2015 में रहती थी ना जोधपुर के अंदर, तो वहाँ पे ये स्वच्छ भारत अभियान का ऐसे बैग बनाना था, तो मैंने पेपर से ही बैग बनाया था और वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। और ये है कि वहाँ पे ना जैसे कपड़े का, दुपट्टे का, साड़ियों का, मतलब कोई भी चीज का ना ऐसे बैग वहाँ पे था। ये पिन्नी विन्नी नहीं था जोधपुर के अंदर, असम में भी इतना नहीं था अभी 2 साल पहले मैं वहां से आई तो। लेकिन यहाँ देखेंगे कि हर बात के लिए यहाँ पन्नी ये लोग दे रहे हैं। सो गाइस, कोरोना को लेके ना बहुत सारी हमारी नई आदतें बनी और अच्छी भी बन गई, जैसे कि यहाँ पे देखिए सब्जी धोना। तो अभी बारिश का सीजन है ना, सब्जियों को धो के ही रखना चाहिए। तो इसके पहले तो मतलब हमें ख्याल नहीं आया बारिश के सीज़न में या कभी भी कि हम नमक से, विनेगर से या कैसे भी मतलब सब्जियों को अच्छे से वॉश करके सुखा के और फ्रीज में रखें। लेकिन ये जो कोरोना आया ना, इसके लिए तो मतलब ऐसा आदत बना ही और ये आदत अब जाएगा भी नहीं पूरी लाइफ में। तो यहाँ पे मैं ना नमक के साथ ही अभी भी मैं सब्जियों को धो के रखती हूँ और अभी मेरे पास विनेगर ख़त्म था, नहीं तो मैं विनेगर भी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से सब्जियों को यहाँ पे आधे घंटे के लिए मैं भिगा के पहले रखूँगी नमक के साथ, उसके बाद मैं साफ़ पानी से इसको वॉश करूँगी, फिर सुखाऊँगी, फिर रखूँगी इसको फ्रिज में। और ये गमला लेके आई हूँ गणपति विसर्जन के लिए, इसी में करेंगे गणपति विसर्जन। मैंने ऐसा सोचा, पहले तो प्लान बना के गई थी कि मैं बाल्टी ले लूँ, पर बाल्टी मुझे कुछ महंगी भी लग रही थी और बड़ी बड़ी थी तो मैंने नहीं लिया। मैंने बोला चलो गमले को ही सजा लेंगे और इसी में कर दूंगी। परसों है गणपति विसर्जन, अनंत व्रत के दिन ही देखते हैं कर देते हैं। और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे ना कि मतलब मैं गणपति रखी हूँ तो कैसे क्या कर रही हूँ। तो हम लोग जैसे कि नमक वाला प्रसाद मतलब कुछ भी नहीं चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ ऐसा व्रत होता है ना कि दूसरे दिन ही नमक खाते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इस भगवान को रखा है।
मैं क्या करती हूँ कि कभी कोई मिठाई बना देती हूँ, जैसे कि एक दिन गुलाब जामुन बनाया था, ऐसे कुछ भी बना देती हूँ या खरीद के लाती हूँ, नारियल केला ऐसे कोई फ्रूट वगैरह चढ़ा देती हूँ, बस यही करती हूँ। देखती हूँ परसों क्या बनाती हूँ। तो और ऐसा है ना कि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन की थोड़ी थोड़ी भी बारिश नहीं हुई है, और जो भी रखे रखे कपड़े थे ना हमारे पास वो सब वापस से, मतलब हम लोगों ने निकाले, वो फेंकने के लिए मैं रखी थी पर वहां पर मैं फेंक नहीं पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था कि किसी गरीब को दे दूं या कुछ भी। तो ये निशा रश्मि के स्कर्ट थे ना, तो अभी एकदम से उनको टाइट आ रहे थे, तो ये मैं फेंकने वाली थी वहां पे, तो अभी इसको थोड़ा सा ना बढ़ा के और इसी में कर दी हूँ। बेल्ट लगा लेते हैं तो दिखता नहीं है, सूखते ही नहीं है यार कपड़े, तो चाहिए ही। सो गाइस, बारिश की वजह से ना पूरे कमरों में बस कपड़े ही कपड़े आपको दिखेंगे, और पूरा मैंने कमरों में 3-4 रस्सी बांध रखे हैं, रात को मैं इन रस्सी पे कपड़े फैला देती हूँ और दिन में तो बस बेड पे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे अभी इवनिंग का टाइम है तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और पूरे दिन में मैंने एक भी रेसिपी की वीडियो नहीं शूट किया था, तो अभी कुछ खाना ऐसा बनाऊँगी जो सिंपल सा ही डिनर बनाऊँगी, जो जो मेरे पास सब्जियाँ रखी है ना उसी का मैं कुछ बनाने वाली हूँ, पहले की सब्जियाँ थी तो उनसे ही मैं कुछ बनाऊँगी अभी, तो उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था और इसमें मैंने आलू को ना छील के और क्यूब में कट कर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने काजू को बॉईल किया है थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए इसको बॉईल किया है, अभी ठंडा करके इसका पेस्ट कर लूँगी और ये मेरे 2 सब्जी के लिए हो जाएगा। तो थोड़ा पीसने से ना वो अच्छी तरह से पेस्ट नहीं होता, तो ये पानी समेत मैं अच्छे से इसको पेस्ट कर लूँगी, और ये कोरमा के लिए ना बहुत अच्छा रहता है, कोई भी कोरमा बनाएंगे ना उसके लिए अच्छा रहता है ये। सो गई, जब भी मैं इसी सब्जी का ना 2 रेसिपी बनाने वाली हूँ यहाँ पे, तो ये एक रेसिपी तो आप कभी भी बना सकते हैं, कोई व्रत में भी बना सकते हैं, और पूरी के साथ तो ये बेस्ट कॉम्बो है। तो अभी मैं ये नवरत्न कोरमा बनाऊँगी यहाँ पे और एक भेज कोरमा बनाऊँगी, तो ये फर्स्ट रेसिपी यहाँ पे होगा नवरत्न कोरमा, और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ये, तो कभी भी कोई फंक्शन में जैसे कि बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो उसमें आराम से आप बना सकते हैं ये, कोई ज़्यादा मिर्च मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, तो बच्चों को तो अच्छे ही लगते हैं ये। तो यहाँ पे ना सब्जियों को एक बॉयल आने तक ना मैंने स्टीम कर दिया है, और कोई भी सब्जी आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, ब्रोकली भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं, तो जो जो सब्जी मेरे पास थी ना तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और पहले थोड़ा सा आलू को स्टीम कर लीजिए, फिर उसके बाद कोई सब्जियाँ ऐड कीजिए। तो कैप्सिकम को आपको बॉयल नहीं देना है, बस डाल के इसमें और ढक देना है, और बस कुछ ही देर में इसको बाहर निकाल देना है, और सारी सब्जियों को ना हमें अलग अलग कर देना है क्योंकि हमें इसे घी में फ्राई करना है। तो कितनी बार ना मैंने सब्जियों को डायरेक्ट ही फ्राई करके बनाया घी में, तो उसका टेस्ट कुछ अलग आया, तो एक दो बार मैंने स्टीम करके बनाया ना तो एकदम से बिल्कुल डिफरेंट था, तो आप लोग भी ऐसा एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मटर को भी मैंने गर्म पानी में स्टीम करके निकाल दिया है, और यहाँ पे ना ये काजू और अदरक हरी मिर्ची को मैं अभी पेस्ट बनाऊंगी, और ये पेस्ट मैं आधा निकाल के रख लूँगी कोई और सब्जी के लिए भी, तो ये ज़्यादा है हरी मिर्ची काजू और अदरक, तो आप लोग देख के हिसाब से अपना मसाला ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है मखाना और काजू, और अभी मैं देसी घी में इन सब सब्जियों को फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एप्पल अलग से एक्स्ट्रा, मैंने इसको स्टीम नहीं किया है, आप चाहे ना तो पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, मतलब कि कोई भी हार्ड सब्जी चाहिए जो कि बीच में मीठा भी आए टेस्ट। तो कई बार हम लोग रेस्टोरेंट में जाके इसको ऑर्डर करते हैं ना तो उसमें पाइनएप्पल ही रहता है, कितनी बार ऐसे मैं देखती हूँ, और मशरूम भी रहता है कभी कभी। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले इसको घी में फ्राई करूँगी, और फ्राई करने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रखा है देसी घी, और घी गरम हो गया है तो सबसे पहले मैं इसमें मखाना और काजू को भून के निकाल लूँगी, और बहुत सारे लोग इसमें किशमिश भी डालते हैं तो मैंने अभी नहीं डाला है। तो यहाँ पे गोभी को भी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, और ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, बस घी में इसको टेस्ट देना है, और यहाँ पर आलू को भी मैं फ्राई कर ली हूँ।
तो ऐसे ही ना बारी बारी से सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों सब्जी को डाल दिया है, जैसे कि बीन्स, कैप्सिकम, गाजर और एप्पल को भी मैंने साथ में ही फ्राई कर दिया है, और घी में ही फ्राई करके बनाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी वापस से मैंने इसी कढ़ाई में डाला है फिर से 2 चम्मच के करीब घी, और यहाँ पे खड़े 9 गरम मसाले मैं डालूँगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची का टुकड़ा डाला है, इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी, लौंग डाला है और जीरा डाला है और ब्लैक पेपर भी डाला है। तो अच्छी तरह से मसालों को यहाँ पे जला लीजिए, मतलब बिना मसाले चटकाए यहाँ पे कुछ भी मत डालिए। तो ये काजू का जो पेस्ट है ना, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हरी मिर्च, काजू और अदरक को डाल दिया है मैंने, और खूब अच्छे से यहाँ पे भून लीजिए इन सब मसालों को। और यहाँ पे ना ये खट्टा दही नहीं है, मतलब थोड़ा सा टैंगी टेस्ट आना चाहिए, इसलिए इसमें दही ऐड करते हैं। तो 2 चम्मच के करीब दही अच्छे से मैंने फेंट के और इसमें मिक्स कर दिया है, और अच्छे से चलाते हुए इसको भून लीजिए। और यहाँ पे आपके दही नहीं फटेंगे क्योंकि साथ में है ये पेस्ट, तो दही आपके फटेंगे नहीं। तो चलाते हुए फिर से इसको भून लीजिए। तो यहाँ पे पेस्ट हमारा अच्छे से भून चुका है, तो 2 कटोरी, छोटी कटोरी से ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और सब्जियों को बस मैं इसमें डाल दूँगी, और बस थोड़ी देर में यहाँ पे सब्जी पक जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सब्जी आधी पक चुकी है पहले से। तो बस थोड़ी देर इसको पकाऊँगी मैं कवर करके, और अभी इसमें नमक डालूँगी मैं। तो इसी स्टेज पर मैंने थोड़ा सा डाला है गर्म मसाला और नमक डाला है मैंने, और थोड़ी देर ही इसको कवर करके पकाऊंगी अभी। सब्जी हमारे अच्छे से पक चुकी है, और आप देखेंगे ना कि बिना टमाटर, प्याज और लहसुन के बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। और अभी कसूरी मेथी डालने की बारी है, और बस कवर करके थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देंगे। और एक सब्जी और आपके साथ शेयर कर लेती हूँ जो कि आधी मैंने बचा के रख। तो नवरत्न कोरमा अभी हमारा बन गया है, तो अभी मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर भेज कोरमा। उन्हीं सब्जियों को मैं आधा रख ली हूँ स्टीम करके, तो यहाँ पे मैं स्लाइस करके प्याज और रिफाइंड तेल में मैंने फ्राई कर दिया है, और खूब रेड होने तक इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैंने दही में लिया है अदरक और लहसुन, इसका भी मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है धनिया पाउडर, यहाँ पे मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, और मसाले एकदम आप अंदाज से ही डालें। और यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर और साबुत जीरा मैंने डाला है, और यहाँ पर वाइट पेपर मैंने लिया है, आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, कोई पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये सब्जी हमारी हो गई है रेडी यहाँ पे। तो अभी जो मखाने और काजू फ्राई करके रखे थे तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनके हमारी तैयार हुई है। तो इसी मिक्सी के जार में अभी मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। प्याज भी मेरा अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है, और खूब अच्छे से इसको रेड करना है प्याज को, तभी इस सब्जी का टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा आएगा। तो गैस पे रखा है मैंने अगला पैन यहाँ पे, और इसमें डाला है देसी घी, और सेम वही खड़े मसाले यहाँ पे ऐड किया है, और मसाले अच्छे से जल गए हैं ना, तो ये मैंने पेस्ट डाल दिया है और कवर कर दिया है मैंने, क्योंकि इस पैन से बहुत सारे घी बाहर आ जाते हैं। और प्याज ठंडा हो गया है ना, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगी। और यहाँ पे मसाले लगभग भून ही गए हैं, तो हरी मिर्चें मैं स्लिट करके डाल दी हूँ, और ये हरी मिर्चें ना कुछ ज़्यादा ही तीखी है, तो मैंने इसको तड़के में नहीं डाला है। तो यहाँ पे स्टीम करके जो आधी सब्जियाँ मैंने बचा के रखी थी ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है, और अभी मैंने डाला है पानी और नमक, और बस थोड़ी ही देर इसको कुक करेंगे। और बहुत सारे लोग को ना अच्छी सब्जियों का टेस्ट अच्छा लगता है, तो अभी तो मैं इसको खैर पकाऊंगी थोड़ी देर।
तो आप लोग ये भी रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही हिसाब से मिर्च मसाले डाल के ना बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं सब्जी। तो यहाँ पे प्याज का मैंने पेस्ट कर दिया है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ये बॉयल आ गया है तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और बस थोड़ी देर पकने के बाद ना इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाता है प्याज के साथ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है रेडी, तो अब प्लेटिंग की बारी है। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज की सैलेड कट किए हैं और मैंने बनाए थे दिन में गुलाब जामुन। सो गाइस कोरमा सब्जी के साथ तो अक्सर पूरी ही बनते हैं, लेकिन आज मैंने बनाया है यहाँ पे रोटी, और यही है आज की हमारी डिनर थाली। और इनके कलर से तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा ना कि एक ही सब्जी की ये दोनों रेसिपी है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं ये सब्जी। और ये व्हाइट ग्रेवी वाली सब्जी तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा मेरी तरफ से। तो डिनर हमारी हो गई है, तो अभी मैं आ गई हूँ कमरे में और यहाँ पे ना ये सब्जियाँ सूख चुकी है, तो अभी मैं इसको रखने वाली हूँ डिब्बे के अंदर। तो पंखे में ही मैं इसको रख देती हूँ सूखने के लिए, दो बार अच्छे से वॉश करके और रख दिया था मैंने। तो सब्जियाँ सूख चुके हैं, और इसको मैंने ना सब्जी सुखाने के लिए ही सिलाई किया था। ये देखिए ये दोनों साइड से मैंने कपड़ा डाला है और बीच में एक बोरी है, कहीं भी सुखा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बिस्तर पे ही इसको डाल दिया है, अच्छे से धो देती हूँ फिर सुखा के रख लेती हूँ, बार बार मुझे धोना भी नहीं पड़ता है। और अभी तो नमक के पानी से कोरोना की वजह से धोते ही हैं। तो डिनर करने के बाद ना हम लोग अपने ही फ्लैट में वर्क कर लेते हैं, तो आधे घंटे के लिए हम लोग वर्क करते हैं। तो बाहर आ चुके हैं हम लोग वर्क के लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे ना कि अक्सर ही ऊपर से लोग नीचे बैग लटकाते रहते हैं, कोई आइसक्रीम के लिए, कोई पानी पूरी के लिए, उतने ऊपर से लोग जल्दी जल्दी उतर के नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्क कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। और ये देखेंगे ना कि कई दिन से किसी का सोफ़ा कम बेड यहाँ पे डिलीवर हुआ है, और नीचे ही कितने दिनों से पड़ा हुआ है ये। सो गाइस मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा, और कहीं से भी थोड़ा सा पसंद आया होगा ना तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बिल्ली ना मेरी बलिनों के नीचे हर रोज़ ही यहाँ पर बैठी मिलेगी, एकदम जैसे लगेगा आप लोग को पालतू बिल्ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।